नमस्कार दोस्त। तो भाई काफी सारे व्हाट्सएप यूजर्स सवाल करते हैं कि भाई मान लो मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया और मुझे पता भी चल गया है कि मेरा व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो चुका है, लेकिन अब आप मुझे ये बताएं कि मैं व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर कैसे करूं, यानी कि हैकिंग से छुटकारा कैसे पाऊं ताकि मैं फिर से उसी व्हाट्सएप अकाउंट को इजिली पूर्वक एक्सेस कर सकूं। तो दोस्त आज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताने वाला हूं जिसकी हेल्प से आप आसानी पूर्वक हैक हुए व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे और उसके बाद से आपका कोई भी डेटा कहीं और नहीं जाएगा, यानी कि आप जो भी चैटिंग करोगे या फिर कुछ भी करोगे वो कोई थर्ड पर्सन या हैकर्स देख नहीं पाएगा। तो भाई वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और साथ ही नॉलेजेबल होने वाली है, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहना। और अगर आप लोग मेरे को पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। और हाँ दोस्त, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन आप लोग शेयर किया करो, लाइक किया करो यार, ताकि मैं काफी ज्यादा मोटिवेट हो जाऊं और आप लोग के लिए डेली एक नया ताजा कंटेंट लाता रहूं। सो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग अपने डेली लाइफ में बैंकिंग से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अपडेट या फिर किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन या फिर किसी भी प्रकार का इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो भी घर बैठे फ्री में, तो आप लोग एक बार सुमित एक्सेस के चैनल को जरूर विजिट कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बैंकिंग से रिलेटेड ढेर सारी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल जाएगी जो आपके डेली लाइफ में कभी ना कभी जरूर काम आएगी। सो प्लीज विजिट हेयर एंड सपोर्ट हेयर। नो मनी रिक्वायर्ड, मनी टाइम रिक्वायर्ड। बात करते हैं मेन मुद्दे की। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया है तो उससे कैसे छुटकारा पाए, लेकिन उससे पहले ये समझ लेना जरूरी है कि हमारा व्हाट्सएप अकाउंट किस तरीके से हैक हुआ है। ठीक है, क्योंकि जिस माध्यम से आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हुआ होगा उसी माध्यम से अगर आप छुटकारा पाते हैं तो काफी जल्दी और काफी आसानी से पा लेते हैं, और अगर आप गलत रास्ता अपनाते हैं छुटकारा पाने के लिए तो और ज्यादा उलझने बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो देखिए व्हाट्सएप अकाउंट आपके कई सारे तरीकों से हैक होते हैं। ठीक है, अब कुछ तरीके हैं जो कि फीचर हैं व्हाट्सएप का, जिसे हम हैकिंग का नाम दे दिए हैं हम लोग, लेकिन वो फीचर हैं, और कुछ तरीके हैं जिससे कि हैक हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे दो तीन तरीका मैं अभी आपको बताऊंगा और सॉल्यूशन उसका बताने वाला हूं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला तरीका यह है कि मान लो अगर किसी बंदे ने आपका मोबाइल ले 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 करके और व्हाट्सएप वेब के जरिए स्कैन कर लिया हो आपका क्यूआर कोड, तो उस सिचुएशन में आपका व्हाट्सएप अकाउंट उसके मोबाइल में चला जाएगा। जी हाँ, ये बिल्कुल श्योर है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये दोनों व्हाट्सएप अकाउंट बिल्कुल सेम है, मैं इसको थोड़ा सा इसको कट कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी वही सेम फोटो है और यहाँ पर भी सेम फोटो है। ठीक है, और इतना ही नहीं, यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा घर टू, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ घर टू। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको लास्ट सीन भी दिखा देता हूँ, लास्ट सीन यस्टरडे 12:23, और यहाँ पर भी देखिए लास्ट सीन यस्टरडे 12:23 घर टू। ठीक है, मतलब कि दोनों ही मोबाइल में एक ही व्हाट्सएप चैट ओपन है। कैसे? तो दोस्त ये व्हाट्सएप वेब के जरिए मुमकिन हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो भी चैट होंगी ना, जो भी चैट हम करेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाय, आपके सामने हाय, देखिए मैंने हाय टाइप किया अपने मोबाइल फोन से और सेंड करूंगा तो यहाँ पर भी मैसेज जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी मैसेज हाय सेंड हो चुका है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैसेज हाय हो चुका है सेंड, और क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, सेंड कर दिया। और यहाँ पर भी देखिए मैसेज जाएगी, क्या हो रहा है का मैसेज यहाँ से भी चला जाएगा कुछ देर में। देखिए तो मतलब कि आप अपने मोबाइल फोन से जिस भी बंदे या बंदी को चैट करोगे, मैसेज सेंड करोगे, तो अगले बंदे को भी पता चल जाएगा, और जिसको आप भेज रहे हो उसको तो पता चलेगा ही चलेगा, लेकिन इसको भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ने एक्सेस कर रखा है तो इसका एक सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन ये है कि आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप अकाउंट को ओपन कीजिए। ओके, ओपन करने के बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए आपको एक लिंक डिवाइसेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, जो कि पहले व्हाट्सएप वेब के नाम से प्रचलित था, फेमस था, लेकिन अब अपडेट होने के बाद लिंक्ड डिवाइसेज का ऑप्शन इसे दे दिया गया, नाम दे दिया गया, आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको मल्टी डिवाइस बीटा का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब इसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बना रखा है, अगर आपने नहीं इसके बारे में जाना है अभी तक तो आई बटन में लिंक मिल जाएगा, देख लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट में समझा दूं कि इस फीचर की हेल्प से अगर आपका इंटरनेट ऑफ है या फिर आपका मोबाइल हैंग कर रहा है या फिर आपका मोबाइल ऑफ हो गया है
मतलब कि आप अपने प्राइमरी मोबाइल फोन में व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, उसके बावजूद भी इस फीचर की हेल्प से आप अपने व्हाट्सएप अकाउंट को अलग अलग डिवाइस में इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है, अगर आप अपने प्राइमरी मोबाइल फोन में ऑफलाइन हो तो भी, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैं इसको इंटरनेट, देखिए ये ऑन है, इसको मैं फ्लाइट मोड में कर देता हूँ। ठीक है, और इस मोबाइल को मैंने दूसरे वाईफाई से कनेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पर मैं मैसेज अब भेजता हूँ हेलो, और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कुछ भी नहीं होगा, मैं आपको बैक करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो देखिए क्या हो रहा है, सिर्फ उतना ही आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पर मैं मैसेज सेंड करता हूँ हेलो, तो मैसेज चली जाएगी। देखिए यहाँ मैसेज जा चुका है, यानी कि आपका जो मैसेज है वो जिसको आप भेज रहे हैं वो चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर नहीं जाएगा। यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन स्लो है, इस वजह से अभी तक मैसेज नहीं गया है, लेकिन मैसेज चला जाएगा। तो देखिए दोस्त, यहाँ पर मैसेज हेलो का जा चुका है, डबल टिक लग चुका है, और इसमें देखिए जबकि मैंने इंटरनेट को ऑफ कर रखा है, यानी कि एयरप्लेन मोड को ऑफ कर रखा है, उसके बावजूद भी मैसेज जा चुका है। तो इस फीचर का यही काम है कि आप अलग अलग डिवाइस में अपने व्हाट्सएप अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इसी का लोग गलत फायदा उठा लेते हैं और आपका व्हाट्सएप अकाउंट एक्सेस करना स्टार्ट कर देते हैं इस फीचर की हेल्प से। लेकिन मान लो अगर ऐसा हो गया, इस फीचर की हेल्प से आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ने एक्सेस कर रखा है और वो डेली आपका लाइव चैट देख रहा है या फिर वीडियो कॉल वगैरह देख रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? तो दोस्त उस सिचुएशन में आपको एक काम करना है, आप सिंपली यहां पर इसको बैक कर दीजिए, यहां पर इसको भी बैक कर दीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक कीजिए और यहां पर लिंक्ड डिवाइसेज पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहीं पर आपको, अगर आपने यहां पर मल्टी डिवाइस बीटा ज्वाइन कर रखा है, तो आपको ज्वाइन बीटा का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए, ज्वाइन बीटा पर क्लिक कीजिए, कंटिन्यू कीजिए, ओके। इसको मैं एयरप्लेन मोड को ऑफ कर देता हूँ, उसके बाद ज्वाइन बीटा पर मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू, तो ज्वाइनिंग द बीटा हो चुका है। ठीक है, तो मतलब कि आप बीटा ज्वाइन कर चुके हो, तो अब आपको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मल्टी डिवाइस बीटा ज्वाइंट, तो आप इस पर क्लिक कीजिए और लीव बीटा पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो आपके मोबाइल में जितने भी, आपके मोबाइल के जो अकाउंट हैं, जितने भी डिवाइस में लॉग इन होंगे, वो सारे के सारे वहां से लॉग आउट हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक और ऑप्शन दिखेगा, जो कि है यहाँ पर, देखिए जैसे यहाँ पर गूगल क्रोम दिख रहा होगा, ठीक है, और वो अभी एक्टिव है, और इसको मैं यहाँ से लॉग आउट कर दूंगा, यहाँ पर इस पर आप क्लिक कीजिए और लॉग आउट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इस पर लॉग आउट कर देता हूँ और ये लॉग आउट हो चुका है। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्यूआर कोड शो करना स्टार्ट कर दिया इस मोबाइल फोन में। तो ये तो एक तरीका है जिससे कि आप अपने हैक हुए व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपका अकाउंट इस तरीके से हैक हुआ है, तो अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। देखिए दोस्त, वीडियो काफी लंबी हो रही है मुझे पता है, लेकिन काफी नॉलेजेबल है, इसलिए वीडियो का जो है उसे मिस मत, मेरा मतलब है कि वीडियो को स्किप मत करना। ठीक है, वरना आपका व्हाट्सएप अकाउंट भी कभी भी हैक हो सकता है और आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है दोस्त, अब देखिए मान लीजिए दूसरा तरीका, दूसरे तरीके में होता क्या है कई बार, कि आप जो भी चैट कर रहे हो वो सारा का सारा चैट आपका बैकअप होता रहेगा उनके जीमेल अकाउंट पर, जो आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर रखे हैं। वो भी एक व्हाट्सएप का फीचर है, लेकिन उसने हैक का नाम दे दिया उसे। ठीक है, देखिए होता क्या है, मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद सेटिंग्स पर क्लिक करना है, चैट वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको आ जाएगा, उसके बाद चैट बैकअप पर क्लिक करना है। तो यहीं पर देखिए आपको एक गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पर जीमेल अकाउंट भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि आपका जीमेल अकाउंट है या फिर किसी और बंदे का। अगर किसी और बंदे का है तो आप समझ जाना कि आपका जो डाटा है वो बैकअप हो रहा है किसी अदर पर्सन के अकाउंट में और वो सब कुछ देख रहा है आप जो भी चीजें करते हो। ठीक है, जो भी चीजें करते हो वो सब कुछ देख रहा है, और अगर इंक्लूड वीडियोज का जो ऑप्शन है वो इनेबल हो रखा है कुछ इस तरीके से, तब तो भाई आप जो वीडियो वगैरह सेंड या रिसीव करते हो, जो भी फाइल, वो सब कुछ वो देख रहा होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर आइए, अगर इस तरीके से आपका व्हाट्सएप अकाउंट या फिर व्हाट्सएप चैट पढ़ा जा रहा है, तो आप पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस जीमेल अकाउंट को रिमूव करके अपना जीमेल अकाउंट डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो आपका व्हाट्सएप चैट सिक्योर हो जाएगा। तो ये रहा दूसरा तरीका। ठीक है, उसके बाद तीसरे तरीके की बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा तरीका में बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट किसी ओटीपी की वजह से हैक हो गया, रजिस्ट्रेशन कोड आपने शेयर कर दिया किसी अन्य पर्सन के साथ, या फिर आपको किसी भी प्रकार का लिंक भेजा गया और उस लिंक के थ्रू आपने कोई ऐसा काम किया जिससे कि आपका पूरा फोन ही हैक हो गया। मतलब कि तरीके बहुत सारे होते हैं हैक करने के। तो अगर उस सिचुएशन में आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो जाता है, तब आप दो काम करना। ठीक है, पहला काम आपको करना क्या है, अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर बैक आ जाइए,
उसके बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और सेटिंग्स पर क्लिक करना है, हेल्प पर क्लिक करना है, ठीक है। और हेल्प सेंटर का ऑप्शन है, कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, आपको कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको टाइप करना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है आप यहाँ पर टाइप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप अकाउंट हैक, व्हाट्सएप अकाउंट हैक, इतना आप शॉर्ट में टाइप कीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर देखिए आपको काफी सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे, तो इनमें से किसी एक ऑप्शन को आपको चूज कर लेना है, या फिर आप यहाँ पर सेंड माई क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट इस पर क्लिक कर देना है, तो आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये सेंडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, और सेंडिंग हो चुका है व्हाट्सएप सपोर्ट को। और यहाँ पर आपको एक टोकन नंबर भी मिल जाएगा, टिकट नंबर, ठीक है। तो ये टिकट नंबर तब तक वैलिड रहेगा जब तक आपका व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर नहीं कर दिया जाता व्हाट्सएप अकाउंट टीम की तरफ से, ठीक है। यहाँ पर देखिए बताया गया सारा कुछ, आप डिटेल पढ़ लेना, यहाँ पर रीड कर लीजिए। टू रिकवर योर अकाउंट साइन इन टू व्हाट्सएप विथ योर फोन नंबर एंड इंटर द 6 डिजिट कोड यू रिसीव बाय SMS। मतलब कि यहाँ पर काफी सारे तरीके बताए गए हैं, आप रीड कर लीजिएगा और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, तो आपका ये जो टिकट नंबर है वो इनवैलिड तब हो जाएगा। मतलब कि व्हाट्सएप के सपोर्ट टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से, ये रहा, ठीक है। तो इससे आप बात करके अपने व्हाट्सएप अकाउंट को रिकवर कर पाएंगे। उसके बाद एक काम और कर लेना है, इनसे तो आपका सॉल्यूशन मिल ही जाएगा, लेकिन मान लो अगर आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन ही हैक हो गया हो तो भाई इससे फायदा क्या होगा। तो आपको एक काम करना है, आपको अपने मोबाइल फोन को पूरी तरीके से रीसेट कर लेना है। जैसे कि आप सेटिंग में जाइएगा, उसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री रीसेट का एक ऑप्शन आएगा, फैक्ट्री रीसेट, देखिए ये आ चुका है फैक्ट्री रीसेट, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखेगा इरेज ऑल डाटा का, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर मुझे कंफर्म योर पिन का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि मैंने MI अकाउंट क्रिएट कर रखा है, तो आपको ये नहीं मांगा जाएगा। तो आप यहाँ पर जैसे ही और इरेज ऑल डाटा पर क्लिक करेंगे तो आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जाएगा, आप कन्फर्म पर क्लिक कर देना, तो आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन फॉर्मेट हो जाएगा, जितने भी डेटा होंगे वो डिलीट हो जाएंगे आपके मोबाइल फोन से, ठीक है। उसके बाद आप फिर से अपना नया अकाउंट क्रिएट करना, पासवर्ड वगैरह चेंज कर लेना। इससे होगा क्या कि आपका जो व्हाट्सएप अकाउंट है वो भी सेफ और सिक्योर हो जाएगा और आपका मोबाइल फोन भी सेफ और सिक्योर हो जाएगा, ठीक है। जिस भी तरीके से आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो रखा हो तो इन्हीं सारे तरीकों से आप बच सकते हैं, ओके। मुझे उम्मीद है दोस्त अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि हैक हुए व्हाट्सएप अकाउंट को कैसे रिकवर किया जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपके माइंड में किसी भी प्रकार का सवाल रह गया हो या फिर कंफ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी फॉलो कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपना सवाल रखिए। तो आज बस इतना ही, मुझे उम्मीद है दोस्त आज की यह वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और साथ ही आपको नॉलेज भी काफी अच्छी मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे जरूर दबा देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में, इंस्टाग्राम पर जहां पर हो सके शेयर करना मत भूलना। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी नेक्स्ट प्लस नॉलेजेबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।